जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सीताराम ओम बम सभी भाइयों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय भारत, जय महाकाल, बाबा महाकाल की जय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरा नाम पंडित चंदन गुरु मगरवाला पंडा है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है। मेरा नाम मनीष मीना है। मैं जहीर कुरैशी। नमस्कार, मेरा नाम मुस्तफा है। सर मेरा नाम फखरुद्दीन है। हमारी 5-6 पीढ़ियाँ हो गई है यहाँ पर। महाकालेश्वर की पावन नगरी अवंतिकापुरी बोलते हैं इसको, उज्जैनी। और प्रॉपर हम उज्जैन के रहने वाले हैं। आज बरसों से हमारा यही धंधा है। मेरे बच्चों की धंधे के अंदर तीसरी पीढ़ी चल रही है। सौभाग्य से मैं उज्जैन में पैदा हुआ आज से लगभग 65 साल पहले। उज्जैन को कनक श्रृंगार, कुश स्थली, पद्मावती, भोगवती आदि नामों से पुकारा गया है। और उज्जैन को ग्रीक विद्वान टोलमी ने उसको उज्जयाना कहा। वेनसांग और फाइयाने ने उसको उज्जयाना कहा है। अलबरूनी ने उसको उज्जैन कहा है, जबकि फ्रेंच के टॉमस रो ने उसको उज्जम कहा है। इस तरह उज्जैनी का महत्व अपने आप में है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन के साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, वैसे ही भगवान गोपाल मेरे उज्जैन में मौजूद है। उज्जैन छेड़ के कहीं गए ही नहीं, क्यों नहीं गया कि मेरे को सारे आनंद यहीं प्राप्त। और जहाँ भी जाता हूँ और उज्जैन की तारीख पहले रखता हूँ और दुनिया को भी मालूम है कि उज्जैन शहर बहुत एक नंबर चीज है। और आने वाले विश्व के अंदर लोग नहीं आएंगे। उज्जैन की बात आती है मेरे मन में सिर्फ महाकाल महाकाल गूंजने लगता है। और जब हम महाकाल के भक्तों की याद करते हैं तो हमें याद आती चिलम की, हमें याद आती उस भांग की, उस गांजे की जो सेवन करते थे, हमें याद आती उस जहर की जो उनके गले में है, जिसके कारण हम उन्हें नीलकंठेश्वर बोलते हैं। एक नगरी है, बाबा महाकाल है 12 लिंग में से एक। और यहाँ धार्मिक स्थान है, बाहर के लोग यात्री आते हैं, महाकाल भगवान के मंदिर में आते हैं, उनकी आस्था है। पूरी दुनिया के लोग महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मतलब बहुत अद्भुत सिटी है, यहाँ दो पैर वाले इंसान कम और देवता ज्यादा है। मैं गया हूँ कि मैं उज्जैन, मेरे को हरिद्वार और वाराणसी का दोनों का मिक्सचर लगा। जहाँ जाओगे आप वहाँ अमन ही पाओगे। ये शहर शांति और अमन का वाकई प्रतीक है। उज्जैन की खासियत के बारे में मतलब जितना बताओ उतना कम है, जितना आप जानना चाहते हो उतना कम है। उज्जैन अपने आप में एक ऐसी धरा है जहाँ पर आने के बाद बस ना जाने का मन करता है। बाबा महाकाल हमारे बीच में एक अपार ऐसी शक्ति है
जो कि हमें उज्जैन शहर में स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त कराती है। उज्जैन में बाण भट्ट कालिदास ने अपने साहित्य की रचना की, साथ ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने और बलराम ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। मंगल की ग्रह जन्म की ग्रह जन्मभूमि मंगल ग्रह की, ये संसार की शून्य भूरेखा है और महाकाल दक्षिण मुखी है। यहाँ तंत्र साधना की दृष्टि से ऊसर शमशान क्षेत्र वन पांचों और पीठ पांचों यहाँ पाए जाते हैं। मौसम दिन न दिन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि भय विषम्भो पीर, कामी नार पिया रजमी लोभय के प्रिय दाम, और त्रिवीर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम, राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, और अटल राज महाराज की शोकी हनुमत दूर। ऐसा घाट जहाँ भगवान श्री राम स्वयं स्नान कर चुके हो, वो राम घाट हमारे शहर में मौजूद। भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ यहाँ अपने प्रचंड रूप में विराजमान है। इस शहर में शांति अमन वैभव सभी है, बस फर्क है हमारे नजरिए का। कहा गया सबे मालवा में उज्जैन की भूमि आती है और उज्जैन का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ बौद्ध कात्यायनी प्रद्योत के जो वो थे मंत्री, वो कात्यायन, वो गौतम बुद्ध से शिक्षा लेके बौद्ध धर्म में उनका कात्यायन ने यहाँ प्रचार किया। महावेश्यामी ने यहाँ का तपस्या की और सिद्धेश्वर दिवाकर की भी पुण्य भूमि रही है। यहाँ हिंदू जैन बौद्ध इसके अलावा यहाँ मौलाना रूमी का मकबरा है। उज्जैन में भर्तरी की गुफा, मच्छतनाथ की गुफा है। मच्छंदर नाथ को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के मानने एक साथ मानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदना मृत्योर्मोक्षीये मामृतम्। उज्जैन हमारा एक बहुत प्यारा बहुत खास शहर है। धर्म अध्यात्म की दुनिया है पर अदरवाइज भी बहुत शांत शहर है। जब हम दुनिया को बाहर के शहरों को देखते हैं तो हमको पता लगता है कि इतना छोटा शहर, इतनी सारी सुविधाएं, इतने अच्छे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। उज्जैन नगरी के आसपास लगभग 30 से 40 किलोमीटर में हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही वर्ड बोला जाने वाला वर्ड होता है, जय श्री महाकाल। अगर मैं बूढ़े से भी कहूंगा तो काका भी बोलेंगे जय श्री महाकाल, आंटी से बोलूंगा तो आंटी भी बोलेगी जय श्री महाकाल। जय माता। उज्जैन के अलावा भी देश के कई शहर घूम के आ चुका हूँ, लेकिन जो शांति उज्जैन में मिलती है, जो शांति का संदेश उज्जैन शहर देता है,
वो दुनिया में कहीं भी देने को नहीं मिलता है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ आने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ घूमना, यहाँ का खान पीन, यहाँ की मेहमान नवाजी सब बढ़िया होती है। देखा जाए तो आदमी की सभी पराकाष्ठाओं से परे है इस शहर में एक अजीब सी अनुभूति है। जस्ट पर्सनली स्टेइंग इन उज्जैन एंजॉयिंग द एटमॉस्फेयर एंड बीइंग अराउंड सच वंडरफुल हेल्पफुल पीपल इट्स ग्रेट टू बी हियर एंड स्टे हियर permanently and have a home. तो बताया जाता है कि भूमि पे जिसका जन्म हुआ है वो तो पुण्य का भागी है ही सही, बाकी अगर कोई और भी इस धरती पे अगर आके रहता है तो उसका भी कहीं ना कहीं उद्धार बाबा महाकाल की कृपा से होता है। उज्जैन की महिमा के बारे में तो हम क्या शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उज्जैन तो उज्जैन है, उज्जैन हमको प्यार है, स्नेह है। उज्जैन की हर गली मोहल्ला हर सड़क से हमको प्यार, उज्जैन का हर निवासी हमको प्यार है। लगभग भारत का सेंटर पॉइंट उज्जैन है। उज्जैन का धार्मिक महत्व सारे तीर्थों से एक दिल बड़ा है। कालिदास ने उज्जैन के बारे में ये कहा है कि स्वर्ग का एक खंड पुण्य क्षण होने पर आ गया और उन्होंने अपने उसमें कहा है कि लोला पांगे नरम से लोचने वंचित रसी, कि उज्जैन तुम्हारे यदि उज्जैन को नहीं देखा तो नेत्र व्यर्थ है। आप सभी का उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जय महाकाल मुस्कुरा के उज्जैन नगरी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सबसे आग्रह करता हूँ उज्जैन आइए, उज्जैन की संस्कृति को देखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल मेरा क्या करेगा क्योंकि मैं तो भक्त हूँ उस महाकाल का।